नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बाद जो न्यू वैकेंसीज आएगी उसके बारे में, क्योंकि आप सब अभ्यर्थी लगातार ही कमेंट करके मेरे से पूछते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से जो न्यू वैकेंसीज है अब वो कब तक आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि आप सब अभ्यर्थी बहुत ही मतलब कह सकते हैं आप सब ने बहुत लंबा इंतजार किया है यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज के लिए। 2-2.5 साल से बस पीईटी की वजह से न्यू वैकेंसीज को रोक के रखा गया था, लेकिन जब आप पीईटी का नोटिफिकेशन आ गया और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, तो अब आप लोगों का परेशान होना तो और भी लाजमी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट दूर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पीईटी एग्ज़ाम के जस्ट बाद कौन कौन सी पोस्ट पे न्यू वैकेंसीज आएगी और कौन कौन सी वैकेंसीज है जो कि इस साल जिसका कि प्रोसेस क्लियर करके आप लोगों को जॉब दी जाएगी, फाइनल जो है सबका सिलेक्शन लिया जाएगा, मतलब सबको फाइनल सेलेक्ट करके सबको नौकरी दी जाएगी। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक बात, लोअर पीसीएस वैकेंसीज को लेकर के भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की भर्ती से जुड़े हुए हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज होती है इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दी जाती है। और पीटी की तैयारी के लिए भी आपको जो भी गाइडेंस होगा वो मैं आपको यहाँ समय समय पर देती रहूँगी, और मैं आप लोगों को जो भी ऑथेंटिक सोर्स होंगे एग्जाम की तैयारी के लिए वही बताती हूँ, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीईटी का जो है फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और लगभग 28 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। 28 लाख यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है उसका अंदाज़ा आपको लग ही चुका होगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी के ही कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे उन कैंडिडेट्स ने भी फॉर्म अप्लाई किया है जो कि पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि बहुत अच्छे अच्छे उससे आ रहे हैं जो कि बहुत ही तैयारी करे हुए हैं, तो आप लोग अपने कॉम्पिटिशन का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, और मैंने बुक लिस्ट के लिए जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, अलग से जो है आपका प्लेलिस्ट भी पेट के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोग पूछते हैं न्यू वैकेंसी के लिए, तो आप सबको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अभी न्यूज़पेपर में जो ये वाला न्यूज़ आप देख रहे हैं 30,000 वैकेंसी के लिए कि पहला मेंस एग्जाम जो है वो 30,000 सीटों पे होगी, तो आप सबको बता दें कि ये चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि किसी एक पोस्ट के लिए 30,000 वैकेंसी आएगी, जो वैकेंसीज आने वाली है उन सबको इन्होंने जोड़ के बताया है। तो पेट के जस्ट बाद जो वैकेंसीज आएगी वो होगी जो मेनली वैकेंसीज जो मेन वैकेंसीज है जो आने वाली है और जिसको क्लियर किया जाएगा इस साल, वो है सबसे पहला तो आपको बता दें लोअर पीसीएस के बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, क्योंकि पहले तक लोअर पीसीएस वैकेंसी को लेके बहुत सारे डाउट्स थे कि लोअर पीसीएस का एग्जाम जो है इस बार यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराएगी या फिर आपका यूपी पीसीएस कंडक्ट कराएगा, लेकिन इस बार जो है ये सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप सबको बता दें पहले ग्रेड पे को लेके बात थी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है 4200 तक ग्रेड पे वाला ही जितना भी जॉब होता था उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन जब पीईटी का नोटिफिकेशन आया है तो आप यहाँ नोटिफिकेशन का वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। यहां इन्होंने दिया है कि 1900 से लेकर के 4600 ग्रेड पे तक की जितनी वैकेंसीज होगी वो यूपेट के थ्रू ही भरी जाएगी, तो लोअर पीसीएस में मेनली जो पोस्ट होते हैं 4600 ग्रेड पे तक के ही होते हैं। तो इस बार जो है लोअर पीसीएस की वैकेंसी पेट के थ्रू ही भरी जाएगी, और जो भी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी जो पेट क्वालिफाई किए रहेंगे वही दे पाएंगे। तो लोअर पीसीएस की बहुत सारी वैकेंसीज है, उस पर भी यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, तो आप लोग लगातार लगे रहिए। और आपको बता दें उसके बाद एग्रीकल्चर के बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, जैसे कि एजीटीए का तो आप सबको पता ही है, एजीटीए के लगभग 3,000 सीटों पे वैकेंसी जाने वाली है, फिर केन सुपरवाइजर के 800 पोस्ट आने वाले हैं। ये सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसको कि पेट के जस्ट बाद मेंस एग्जाम कंडक्ट करा के इसी साल क्लियर किया जाएगा, क्योंकि इनको इलेक्शन में दिखाना है कि हमने पिछले अपने कार्यकाल में पहले 2018 में भी वैकेंसी निकाल के इतने लोगों को जॉब दी, और साथ में हम दूसरा भी ये कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए लास्ट ईयर भी जब केन सुपरवाइजर की इसी तरह 2016 में वैकेंसी आई थी, तो 2016 में दो बार वैकेंसी आई थी केन सुपरवाइजर की, तो सेम इसी तरह इस बार भी एजीटीए की जो हम लोगों की ज्वाइनिंग जैसे ही हो जाती है वैसे ही न्यू वैकेंसी भी आ जाएगी। तो पीईटी में आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए टॉप के पोस्ट पाने के लिए, तो आप सबको बता दें कि पहले तो ये तो हो गई बात लोअर पीसीएस की, और बात हो गई एजीटीए एग्रीकल्चर वाले पोस्ट की, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि टॉप पे हैं जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो लेखपाल का तो आपको पता है कि आना एकदम फिक्स है, लेखपाल की वैकेंसी आएगी।
वीडियो की न्यू वैकेंसी आएगी, ये सारे पोस्ट आएंगे। तो इन सब के लिए आप सबको बता दें कि एकदम जो टॉप के होंगे कैंडिडेट बच्चे, जिनका टॉप में मार्क्स होगा, उनको ही बुलाया जाएगा। आपका 80 प्लस में तो क्वेश्चन करना एकदम मस्ट है, 80 प्लस में तो आपके स्कोर होने ही चाहिए इन सारे टॉप पोस्ट के लिए। और AGTA के लिए आप लोग बार बार पूछते हैं कि आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर स्कोर जो है PET में, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप एकदम से ये सोच के नहीं चलिए कि एग्रीकल्चर का एग्जाम है, कॉम्पिटिशन कम होगा और हम कम स्कोर करके ही AGTA एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। आप लोग हमेशा टॉप स्कोर के लिए सोचिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ AGTA वैकेंसी ही तो नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो है आप देखेंगे सेकंड लिस्ट में भी DB करा के इस बार बाहर हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ AGTA की नौकरी करनी है, अगर आप PET क्वालिफाई किए रहेंगे, आपके स्कोर अच्छे होंगे, तो अदर वैकेंसी जाएगी, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अपना टारगेट हमेशा टॉप स्कोर रखिए कि आपका 80 प्लस में ही होना चाहिए क्वेश्चन से ही। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कौन से पोस्ट के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी इस वैकेंसी, इस PET एग्जाम के बाद जो मेन पोस्ट आने वाले हैं वो है BDO भर्ती, लेखपाल, लोअर PCS, AGTA, ये सारे टॉप के पोस्ट है जो कि एक लाइन से ये वैकेंसी आएगी, बहुत सारी सीटों पे वैकेंसी आएगी। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब इसमें से किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कितने एग्रीकल्चर के कैंडिडेट से जो AGTA न्यू वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर आप लोग कितने हैं जो लेखपाल के लिए वेट कर रहे हैं, और कितने हैं जो कि लोअर PCS के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग माइंड में ये बात भी बिल्कुल नहीं रखिएगा कि लोअर PCS का तो अभी पिछली भर्ती जो है वो क्लियर तो हुई नहीं, तो न्यू भर्ती कैसे आएगी। तो आप सबको बता दें, आनंद फानंद में इस अगले 6 महीने में सारी भर्तियों को क्लियर किया जाएगा। जो लोअर PCS की पिछली भर्ती है, जिसका कि मेंस एग्जाम नहीं हुआ है, बहुत उसके लिए भी यहाँ पर आयोग में बात चल रही है, अक्टूबर मंथ में इसका मेंस एग्जाम कंडक्ट करा के उनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी, और उसके बाद इधर जो न्यू वैकेंसी आएगी उसका भी मेंस एग्जाम उसी टाइम पे कंडक्ट कराया जाएगा, और दिसंबर जनवरी तक उनको भी क्लियर किया जाएगा इस इलेक्शन से पहले। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, और न्यू वैकेंसी के लिए जो भी वेट कर रहे हैं, जो आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो आप सबको बता दें कि आप लोग अभी पूरा आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ PET के एग्जाम पे होना चाहिए, PET में बहुत टॉप स्कोर में करने का आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल से जुड़े रहिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या फिर कौन से पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं और कौन कौन से टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।